गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग सेट ए हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन जो डिस्कस करूँगा मैं जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जो आपका काम आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय, तो ये जो मेजर किया जाता है बैरोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ रॉक इज कोल, कोल कौन से टाइप का रॉक होता है, तो कोल जो होता है आपका सेडिमेंट्री रॉक्स होता है, राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर रिकॉर्डिंग अर्थक्वेक इज सिस्मोग्राफ, ठीक है। सिस्मोग्राफ आपका यूज किया जाता है, उस टेक्नोलॉजी को सिस्मोलॉजी बोलते हैं, ग्राफ को सिस्मोग्राफ बोलते हैं ना। चलो नेक्स्ट है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग सीज ऑशियन आर कैनाल, कौन सा आपका इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सीज ऑशियन डज द स्वेज कैनाल, किसमें स्वेज कैनाल है, तो मेडिटेरियन सी और रेड सी के बीच में, ठीक है। अभी मैं जस्ट आंसर बता रहा हूँ, इसका डिटेल एनालिसिस आपको शाम में मिल जाएगा, फिर से टेंशन लेने की बात नहीं, मैथ्स के क्वेश्चन शाम में हम लोग डिस्कस कर लेंगे आराम से। तो उसके बाद क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ स्टेट शेयर विथ बाउंड्री विथ उड़ीसा, उड़ीसा के साथ कौन कौन से स्टेट का बाउंड्री, आप देखो वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, उसके बाद देखोगे आप तो आंध्रा है, ठीक है, तेलंगाना है, ठीक है, तेलंगाना के बाद आप देखोगे तो फिर छत्तीसगढ़ है, तो टोटल 5 स्टेट्स है जिसके साथ बाउंड्री शेयर करते, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। विच टाइप ऑफ क्लाइमेट डज ओडिशा एंजॉय, ओडिशा किस टाइप का क्लाइमेट एंजॉय करता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्धा बोलंगा रिवर जो होता है कहाँ से फॉलो करता है, तो उसका नाम होगा सिमलीपाल हिल, ठीक है। नेक्स्ट है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड वेसल इज कॉल्ड, ब्लड वेसल का क्लॉटिंग को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग थर्मोबोसिस, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सिंधु नेत्रा सेटेलाइट हैज़ बीन सक्सेसफुली लॉन्च रिसेंटली इन यूजिंग PSLV, कौन सा PSLV का यूज करके लॉन्च किया गया था, PSLV C51 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी आप लोग आंसर के लिए ना भटके इसलिए आपको ये आंसर करेक्ट आंसर प्रोवाइड किया जा रहा है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ मॉस्किटो वेन इन्फेक्टेड विथ वायरस इज द मेन कॉज ऑफ स्प्रेडिंग डेंगू, डेंगू फैलाने के लिए कौन सा वायरस होता है, तो एडीज वायरस बोलते हैं उसको, ठीक है। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द एडल्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, 206, ये तो बच्चा भी बताएगा, है ना। लाइट ईयर से क्या मेजर करते हैं हम लोग, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। अब देखो आपको बोला जा रहा है आपका आँख को हेल्दी रखने के लिए कौन सा विटामिन ज़्यादा जरूरी है, तो विटामिन ए, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है, इनमें से कौन सा जो एंशियंट नाम ऑफ उड़ीसा नहीं है, उड़ीसा का एंशियंट नेम नहीं है, इसमें देखो कलिंगा आपको पता है, उत्कल आपको पता है, उसके बाद ओद्रा देशा जो है वो भी हमारा उड़ीसा का एंशियंट नेम है, तो कोसाल जो है उड़ीसा का नेम नहीं है, क्लियर हो गया आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट सेटेलाइट वॉज लॉन्च्ड बाय विच कंट्री, तो उस टाइम सोवियत बोलते थे उसको, USSR बोलते थे, आज के डेट में बोलेंगे तो रसिया, ठीक है। द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया इज अप्सरा, फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम है अप्सरा। ब्लीचिंग पाउडर इज मेड फ्रॉम, क्या क्या चीज़ से मिलकर बना होता है वो पता हो, क्लोरिन और लाइम से मिलकर बना होता है, चलो भैया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको बताया जा चुका, आप मेरा क्लास नोट भी पढ़े हैं तो आपको पता होगा, डायमंड जो हमने बताया कार्बन चैप्टर में, डायमंड इज द हार्डेस्ट एंड ग्रेफाइट इज द सॉफ्टेस्ट, मैं साफ साफ लिखाया हूँ आपको, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 19 जो आपको बोला जा रहा क्या है, द सन टेम्पल ऑफ कोनार्क इज नॉन एज ब्लैक पगोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज रिलेटेड टू कोरोना वायरस, कोरोना वायरस से कौन सा डिजीज रिलेटेड है, तो कोरोना वायरस के लिए क्या रिलेटेड आपका, मर्स एंड फार्स दोनों से आपका होता है, WHO ने ये बोल चुके हैं, है ना। नेक्स्ट है, विच वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर COVID-19, बहुत लोग COV-1 के साथ गए लेकिन आपका आंसर है COV-2, WHO ने जिसको बोला है वो COV-2 है, ठीक है। चलो अब कवि चंद्र किसको बोला जाता है, उड़ीसा का फेमस क्वेश्चन है, तो कालीचरण पटनायक, है ना। हु वाज ऑनर्ड एज भारत रत्न इन 2019, आपको याद होगा प्रणब मुखर्जी, हमारे एक्स प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है उनको हमें, हम लोगों ने, हमारे देश ने उनको क्या दिया, भारत रत्न दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ललित कला एकेडमी इज, ललित कला एकेडमी जो प्रमोट किया जाता है अवार्ड देकर, कौन से अवार्ड के लिए प्रमोट किया जाता है, तो फाइन आर्ट्स का अवार्ड के लिए प्रमोट किया जाता है ताकि फाइन आर्ट्स हमारा एरिया में अच्छा खासा काम हो पाए। नेक्स्ट, मधुबनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग फोक पेंटिंग जो कौन से स्टेट से आता है, तो आपको पता होगा बहुत ही फेमस, वर्ल्ड वाइड फेमस है, बिहार स्टेट से आता है ये पेंटिंग, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टू हिंदी विच लैंग्वेज इज स्पोकन मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया, हिंदी के अलावा सबसे ज़्यादा कौन बोला जाता है, तो बंगाली बोला जाता है, ठीक है। हु इज द पोएट ऑफ फेमस सॉन्ग बंदे उत्कल जननी, बंदे उत्कल जननी का पोएट का नाम क्या है, तो लक्ष्मीकांत मोहपात्रा उनका नाम है, ऑप्शन नंबर बी, माइंड इट, ओके। चलो 20 नंबर 8 क्वेश्चन अब डिस्कस करने जा रहे हैं,
हु इज द ऑथर ऑफ द बुक माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इंटू एक्शन? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, हाउ इज द एनिमिनेंट पर्सन तेंजिन गैफ्टो पॉपुलरली नॉन एज दलाई लामा बोला जाता है उनको, है ना, 14th दलाई लामा जो भी हैं, जो आपका उत्तराखंड में रहते हैं। ठीक है, हिमाचल उत्तराखंड दोनों जगह पर पाए जाते हैं इंडिया में। जब आप यदि हिस्ट्री का बात करेंगे तो जब हमारा इंडिया में वो जब आए थे, क्यों? क्योंकि तिब्बत पे चाइना ने हमला कर लिया था, कब्जा लिया, उसके बाद दलाई लामा यहाँ से रूल करते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द विनर ऑफ विंबलडन टेनिस बॉयज सिंगल्स जूनियर चैंपियनशिप 2021? बनर्जी साहब, है ना, समीर बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्वीट वाटर लेक इन ओडिशा? अनफुपा, कई बार जाके बोटिंग कर चुके हैं, पता नहीं सही बनाया कि नहीं, है ना। चलो भैया नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इन विच ईयर डिड इंडिया विन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन हॉकी? मेजर ध्यानचंद, मैजिशियन ऑफ हॉकी बोला जाता है, 1928 में फर्स्ट टाइम लगातार 3 गोल्ड मेडल जिलाए थे इंडिया को। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा इज द सेंट्रल राइस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड? जहाँ पर अपना कोचिंग है, कटक, राइट। चलो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, इन एक्रोनिम ऑफ सार्क व्हाट डज सी स्टैंड फॉर? सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है कॉपरेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेडक्वार्टर ऑफ WTO? कहाँ पर है? देखो मैं पहले भी बता चुका, जिसका हेडक्वार्टर आपको याद ना हो जिनेवा लगाओ, जिनेवा इज द राइट आंसर। ठीक है, मैक्सिमम हेडक्वार्टर आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ ओडिशा इज इलेक्टेड एफ टू लोकसभा? लोकसभा के लिए कितना सीट है? 21 सीट है, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ UNO? UNO को कौन सा मेंबर नहीं? पैलेस्टाइन जो नॉन ऑब्जर्वर मेंबर है, मेंबर नहीं है। ठीक है, चलो भैया लास्ट में मेंबर जो ऐड हुआ, 93rd मेंबर हुआ साउथ सूडान, याद होना चाहिए आपको। ठीक है, वॉल स्ट्रीट क्या आपका? स्टॉक एक्सचेंज ऑफ न्यूयॉर्क, जैसे इंडिया क्या है, निफ्टी BSE दलाल स्ट्रीट में, तो वहाँ पर वॉल स्ट्रीट बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन, UNO सेलिब्रेट्स इंटरनेशनल योगा डे, जिससे इंडिया का पहचान बढ़ा ग्लोबली, उस कौन सा डेट में सेलिब्रेट किया जाता है? 21 जून। ठीक है, हु ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा हैज स्टॉप्ड इन प्रोडक्शन ऑफ टर्मरिक? हल्दी का प्रोडक्शन में कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा ने टॉप किया है? तो कंधमाल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, हु इज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन मुस्लिम लीग कॉल्ड डायरेक्ट एक्शन डे? लॉर्ड वेवल थे उस टाइम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, आपका पॉलिटी में लिखवाया जा चुका है ये सारा क्वेश्चन, है ना, मैं नहीं पढ़ाया हूँ। नेक्स्ट, अशोका की मदर, वाइफ और डॉटर का नाम क्या है भैया? तो उनकी मदर का नाम आपको याद हो तो शुभा दरंगी थी, और डॉटर के नाम संगमित्रा थी, तो इस तरीके से आप ऑप्शन बी के साथ जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इनिशियली क्वीन एलिजाबेथ वन अप्रूव द चार्टर टू ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर हाउ मेनी ईयर्स? तो 15 ईयर्स के लिए उनको अप्रूव किया गया था, क्वीन एलिजाबेथ वन वहाँ का चार्टर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट, पंचतंत्र वाज रिटेन बाय विष्णु शर्मा? ठीक है, मोहन जोदाड़ो इज ऑल्सो नॉन एच, देखो ये क्वेश्चन विजिबल नहीं तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, मोहन जोदाड़ो इज ऑल्सो नॉन एच लिखा हुआ है, और इसका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होना है, जिसमें आपको दे रखा है माउंट ऑफ डेट। ठीक है, नेक्स्ट, द इन फेमस जालियांवाला बाग मैसेकर हैपेंड ऑन विच ऑफ द फेस्टिवल? बैसाखी के दिन हुआ था। चलो भैया नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टी वाज रूलिंग ओवर मगध व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया? नंदा डायनेस्टी रूल कर रहा था मगध पे। ठीक है, द लेंगडियस्ट क्लासिकल एपिक ऑफ इंडिया? महाभारत से बड़ा तो कुछ है ही नहीं, है ना। नेक्स्ट, ओडिसी डांसर्स इन जगन्नाथ टेम्पल इज कॉल्ड? क्या बोला जाता? महाहरी। ठीक है, तो ये आज आपका GS का क्वेश्चन का डिस्कशन मैंने कर दिया अभी, और कुछ ही देर में जब 4 बजे आपका एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो एलेक्स सर फुल डिटेल्स के साथ क्वांट्स का डिस्कशन लेकर आपके साथ मिलेंगे। ठीक है, टिल देन आप लोग आंसर अपना मैच कीजिए, और जिनका बहुत अच्छा से हुआ है वो लोग रिप्लाई करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।